फ्रेंड्स आपण को निद जदि सका 3-5 भितर भांगुची तो यही वीडियो को निश्चय देखु। भगवान श्रीकृष्ण को अनुसारे 3-5 भितर निद भांगुवा मनुष्य सहित एपरी कौन होता है जहाँ संसार सब मनुष्य अलग मनईद। फ्रेंड्स जब ईश्वर यह संसार रचना करते तो किसी कथा को अधा छाड़ी प्रश्न अन्यत्र रखा जाइथिला एवं किछि रहस्य को मनुष्य उपरे छोड़ा जाइथिला। किपरी मनुष्य एही अधा कथा को पूरा करिबो एवं अन्यत्र प्रश्न को किपरी खोजिके बाहर करिबो। फ्रेंड्स आम सहित भल किंबा खराब होइथाय दिन सारा आम सहित जहाँ भी घटना घटे से ईश्वरंकर ही कौनसी लुचिथिबा संकेत अटे। आम मनरे ईश्वरंक प्रति थिबा आस्था एवं विश्वास द्वारा ही आमे से संकेत बुझी पारंती। फ्रेंड्स दुर्घटना बशत कौन सी लोकर दुर्घटना हो जाए तो बहुत क्षति हो जाए किंबा आमे कौन सी परिस्थिति रे फसी जाती तो निश्चित तो ईश्वर ही आम को कौन सी सांकेतिक रूपे कहा माध्यम अवश्य ही आम को किसी संकेत दे आमे से ही संकेत को बुझी पारंती ना। से ही संकेत आम को अनेक माध्यम मिली थाए जेमिति आम आखपाखरे किंबा आम सहित होउथिबा असामान्य कथा आम घरे बड़ मानक द्वारा आमर किछि काम करिबाकु किंबा घर बाहरे कोनोसी अलग जगह को जीवा पई मना करिबा काहाकु भूल रे अनेक टंका देई देबा इत्यादि आमे स्वप्नरे मध्य भविष्यतरे घटिबाकु थिबा घटनार पूर्व संकेत मिलिथाय। ता सहित आम सहित जदि किछि भल घटना मध्य घटे तो एहाकु भी आमे भगवान को संकेत बोली मानि थांती। भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहि छंती कि ईश्वर एही संसार रे कोण कोण रे रहि छंती आमे भी ईश्वर को द्वारा बना जाइथिबा सृष्टि रे घटुथिबा घटना बळी को ध्यान केंद्रित करिबा उचित। ईश्वर आमको प्राकृतिक माध्यम रे जेउ भी संकेत किंबा आदेश दियंती ताकु पालन करिबा उचित। फ्रेंड्स एपरी अनेक कथा एवं संकेत भितर गोटे आम समस्त सहित होइथाय ताहा हेला सकाळ 3 किंबा 5 बाजिले आमर निद भांगिबा। आमे भावंती कि एथिरे एमिति कौन कथा अछि किंबा संदेश अछि कारण निद तो केतेबेले भी भांगि जाए एहा स्वाभाविक कथा। हाँ फ्रेंड्स एहा पूरा पूरी सत निद भांगि जिबा कोनोसी आश्चर्य कथा नुहे किंतु निद ठीक सकाळ 3-5 भितर भांगिबा तो एहाकु जरूरी ध्यान दियौ। एही समय रे निद भांगिबा किछि खास होइथाय कोन से खास कथा आसंतु देखिबा। आपण देखुछन्ती ओडिया बहु यूट्यूब चैनल जदि आपण हम चैनल रे नुवा आसीछन्ती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल रो आइकन को प्रेस करि नियंतु कारण भक्ति रे ही असली शक्ति रहिथाय आउ एही बडी भक्ति वीडियो सर्वप्रथमे आपण हम चैनल रे पाई परिबे। 3-5 समय ईश्वरीय संकेत देइथाय यहाँ डरिबा कथा ना खुशी हेबा कथा को सूचाई थाए। फ्रेंड्स 3-5 समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाए। भगवान श्रीकृष्ण तांकर उपदेश रे कहिछन्ती कि ब्रह्म मुहूर्त दिनर सर्वबृहत्तम समय अटे जो भी व्यक्ति एही समय रे उठी जाए तो से उन्नति करिथाय। श्रीकृष्ण कहंती कि सृष्टिर रचना ब्रह्म करिथिले तो 3-5 भितर माने ब्रह्म मुहूर्त को निर्माण काल बोली मध्य कहा जाए। एही समय रे ब्रह्मांडर निर्माण कार्य आरंभ होइथिला तो एही समय रे आपण मध्य आपणक भितरे शक्ति एवं ऊर्जार निर्माण करि परिबे भल एवं खराब विचार मध्य करि परिबे किंतु आजिकालिका समय रे ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा बड़ कष्टकर कथा। बहुत चेष्टा कले मध्य एही समय रे आमे उठि पारंती नाही। एही समय रे जदि आपणकर निद भांगि जाय तो आपण निश्चित रूपे बहुत भाग्यशाली अटंती कारण एही समय को ईश्वरंक समय बोली माना जाए। एही चमत्कारी एवं अद्भुत समय रे संपूर्ण वातावरण रे एपरी एक प्रमुख शक्ति व्याप्त होइथाय जहां आपणकर संपूर्ण जीवन को बदलाइथाय। आयुर्वेद रे मध्य एही समय को शुभ माना जाए। आरोग्य दृष्टि रे मध्य एही समय को उत्तम बोली माना जाए। आमर वेद एवं पुराण रे भी एहा माना जाए कि ब्रह्म मुहूर्त रे उठुथिबा व्यक्ति को बल बुद्धि विद्या एवं आरोग्य प्राप्ति होइथाय। शास्त्र सहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु देखिले मध्य एही समय रे
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ରହିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଆମର ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଏ କି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଦେବତାଗଣ ଆକାଶରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହନ ଉପରେ ବସି ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଅଗଣା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସଫା ହୋଇଥାଏ ସେହି ଘରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେହି ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସେହି ଘରୁ କ୍ଲେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ମଧ୍ୟ ସକାଳ 3-5 ଭିତରେ ଖୋଲୁଥାଏ, ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।